अब कैसा महसूस कर रहे हैं छोटे सरकार? पहले से काफी आराम है। थोड़ी देर में और अच्छा लगेगा। ठंडा पानी, आपके पैर के तलवों से सारी थकान और सारी उदासी को खींच लेगा। अच्छा, तो आप फंकारा होने के साथ साथ वैद्य भी हैं। इलाज के मामले में हम जैसे नीम हकीमों से दूर ही रहना चाहिए सरकार। वैसे ये हमें हमारी अम्मी जान ने सिखाया था। फूल और इंसान फितरत में बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन ये अपने मिजाज कभी नहीं छोड़ते। फूल खूबसूरत और खुशबूदार होते हैं, इसलिए ये तोड़े और मसले जाते हैं। अभी देखिए ना, हम भी तोड़ कर लाए। इनकी खुशबू अगर दिल से एक बार अंदर जज्ब कर ली जाए तो रूह का जर्रा जर्रा खुशी और चैन और सुकून से लबालब भर जाता है। लीजिए, अपनी जी जान लगाकर एक बार इनकी खुशबू को महसूस कीजिए। कैसा लगा छोटे सरकार? कैसे बताएं? आज से पहले हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। जो भी था हम नहीं जानते, पर हमें बहुत अच्छा लगा। अहिल्या, ऐसे वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। आदाब छोटी रानी। क्या हो गया छोटे से पिताजी? आप ठीक तो है ना? अब ठीक है। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आज अखाड़े क्यों गए आप? कम से कम मुझे बताया होता। मुझे पता होता तो मैं किसी को आपके साथ। मैं अभी पालकी मंगवाती हूँ, हमें इसी वक्त राजवैद्य जी के पास चलना चाहिए। नहीं 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 अहिल्या, अभी हमें बिल्कुल ताकत नहीं। वैसे भी हम यहाँ अच्छा महसूस कर रहे हैं, और रमजानी है ना, हमारा अच्छे से ख्याल रख रही है। हम जैसे ही थोड़ा और ठीक महसूस करेंगे, हम खुद चलकर वैद्य जी के पास जाएंगे। तब तक हम यहाँ ठीक है। वैसे भी गणेश काका की बेटी की शादी की तैयारियां करनी है। मैं चलती हूं।
क्या था ये? इसे मैं बदतमीजी कहूं कि बचपना? आपको जो कहना है आप कहिए, लेकिन मैं जानती हूं मैं सही कर रही हूं। अच्छा, तुम जानती हो तुम सही कर रही हो, ये सही है? तुम्हारी इस हरकत की वजह से अहिल्या पर क्या बीतेगी इसका कुछ अंदाजा है तुम्हें? क्यों कर रही हो ये सब? क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ, और मुझ पर क्या बीत रही है, आप पर क्या बीत रही है, ये जानने की ना तो आपकी इच्छा है और ना ही आपके पास समय। बस शांत हो जाइए आप लोग, बहुत हो गई बहस। अहिल्या, गंगूबा, मैडम, यहां आप लोग तो कुछ आओ। क्या बताऊं रमजानी, छोटी रानी सबके सामने ऐसे शेरनी की तरह चलकर आई और वर दक्षिणा के रूप में सिर्फ एक सिक्का देकर उन्होंने कितनी बहादुरी से अपनी बात को रखी। सच में मैं तो छोटी रानी की कायल ही हो गई। हाँ इंदुमती, पता है हमें, छोटी रानी है ही ऐसी, उनकी इस अदा के हम पहले ही कायल हो चुके हैं। एक बार ठीक से मुलाकात हुई थी उनसे हमारी, हमें भी लगता है कि वो औरों से अलग है। पार की नजर है तुम्हारी। आप आइए बैठिए। लिफाफा देखते ही तुम्हें पता चल जाता है कि खत में क्या लिखा है। मुझे तो लगता है कि अपने हिसाब से तुम मतलब भी बदल देती हो। इंदुमती, सबके लिए शरबत लेकर आओ। आज इस कनीज के गरीब खाने में कैसे आना हुआ, हमें ही बुलवा लिया होता। ना ना, ये गरीब खाना कहाँ है, ये तो खंडेराव का घर है, जहाँ चैन की नींद आती है, बिना सोचे समझे सुकून की आग लगती है, वो घर ही तो होता है ना? रखमा ने हमें बताया कि तुम खंडेराव का कितने अच्छे से ख्याल रखती हो, इसीलिए तो हम यहाँ तुम्हारा शुक्रिया करने आए थे। ये तो हमारा फर्ज था, इसमें शुक्रिया कैसा? हमने देखा है कि खंडेराव अहिल्या से ज्यादा तुम्हारे साथ खुश है, और जो देखते हैं उन्हें सब दिखता है। माफ कीजिएगा, आप एक कंकड़ की बराबरी पहाड़ से कर रही हैं, एक कतरे को समंदर बता रही हैं। खैर, नजरिया तो बिना अखवालों का भी होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? छोटी रानी के सामने हमारा वजूद कुछ भी नहीं। खुशी हुई हमें तुम्हारी वफादारी देखकर, और ये जानकर कि तोहफे का भी जमीर है। रमजानी, मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ। खंडेराव अहिल्या के पति बाद में है, पहले वो मालवा के राजा है, और राजा का फर्ज प्रजा के प्रति पहले होता है। राजा खुश तो प्रजा खुश, राजा तनाव में तो प्रजा दुखी। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही हूं कि तुम खंडेराव को अहिल्या से दूर करो, या तुम्हारा खंडेराव से कोई रिश्ता जोड़ना चाहती हूं। मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम अपना फर्ज ईमानदारी से निभाती रहो, खंडेराव को खुश रखो, पूरी ताकत लगा दो उसकी सेवा करने में, ताकि खंडेराव पूरी ताकत से मालवा की भावपूर्ण सेवा करे। बस मेरा यही कहना है रमजानी, कि खंडेराव तुम्हारे महफिल में आता रहे और प्रजा खुश रहे, ये मालवा पे एहसान होगा तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया।
सकती हो। हम अहिल्या की बात से सहमत हैं बाबा साहब। अहिल्या जो कह रही है ठीक कह रही है। ऐसे जिद्दी लोगों को ठीक करना हमें अच्छी तरह आता है। अगर वर के पिता ने अपनी अनुचित मांगों पर रोक नहीं लगाई और वो अड़ा रहा तो हमें भी तलवार की नोक पर शादी करानी अच्छी तरह से आती है। नहीं खंडेराव, हर फैसला तलवार की नोक पर नहीं लिया जाता। क्या है, कुछ रिश्ते कपड़ों की तरह होते हैं, उन्हें सही सलामत रखने के लिए सुई की जरूरत पड़ती है, तलवार की नहीं। हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज हमारे पुरुषों ने बनाए हैं। अब वो क्यों बनाए हैं, क्यों बने हैं, ये जाने बिना हम कोई फैसला नहीं ले सकते। ठीक। और गंगोबा, आपने जो अभी कहा वो अहिल्या, गंगोबा जो अभी कह रहे थे उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।